नमस्कार दोस्तों, मैं आरती गौतम आपकी दोस्त आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 को निरस्त करने के बाद भारत की केंद्र नरेंद्र मोदी सरकार से पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाए हुआ है और उन्होंने तरह तरह की धमकी भी दी है। पाकिस्तान ने भारत को बहुत तरह की धमकी दी है, उसको डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत कुछ समझाने के बाद अब जाकर चीन और पाकिस्तान दोनों अपनी औकात में आ चुके हैं। धारा 370 को हटाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर से चीन और पाकिस्तान पूरी तरीके से खिलाफ हो गए थे और चीन और पाकिस्तान दोनों एक साथ जुट होकर भारत को तरह तरह की धमकी दे रहे थे। परमाणु बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान अब बातचीत करने की लगन में आ चुका है। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान दोनों की अकल ठिकाने आ चुकी है, अब इस बात को बातचीत करके इस मैटर को सुलझाने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने रविवार को जम्मू एंड कश्मीर के मसले को लेकर चीन से बात की और दोनों देशों ने अपने साथ समानता बरतने के बाद दोनों देशों ने यह फैसला किया है कि भारत सरकार यानी केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी सरकार से बातचीत करने का निर्णय लिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम इस बात को यहीं पे खत्म कर देंगे और जम्मू एंड कश्मीर के मसले को लेकर भारत सरकार से बातचीत करने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया है। पाकिस्तान और चीन को अब ये देख ही गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार से अगर हम बातचीत नहीं करते हैं तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा लगेगा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर चीन के साथ बात करने के लिए केंद्र सरकार से गुजारिश की है। इस चर्चा के दौरान दोनों देशों ने समानता के आधार पर बातचीत करने पर इस विवाद के मसले को खत्म करने के लिए जोर दिया है। दोस्तों, साथ ही चीन ने पाकिस्तान को उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को रक्षा समर्थन देने की बात की है और चीन ने साथ ही पाकिस्तान को उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को रक्षा के समर्थन को बात को लेकर दोहराया है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि चीन हमेशा से पहले से ही पाकिस्तान की सपोर्ट करता है और हर हाल में पाकिस्तान का ही साथ देता है। आज तक चीन ने कभी भी हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया है, बल्कि पाकिस्तान के पक्ष रहता है, प्रोक्ष रहता है और उसका ही प्रत्यक्ष करता है। चीनी विदेश मंत्री वांग की ये 2 दिवसीय पाकिस्तान यात्रा के समापन पर जारी एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति ने दोनों देशों के इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी स्थिति में उनके रणनीतिक संबंध या उनके अंतरराष्ट्रीय स्थिति में कोई भी प्रभावित नहीं होगा और न ही ऐसे कोई स्थिति में कोई भी किसी भी तरीके कोई प्रकार की कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। वांग की यह पाकिस्तान की यात्रा उस समय हुई ऐसी स्थिति में हुई जब भारत की केंद्र यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जों को रद्द करने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। दोनों पक्षों ने इस बात पर रेखांकित किया कि एक शांतिपूर्ण पक्ष स्थित सहयोगी और दक्षिण समझौता दोनों के संबंध में है और इस सारी बात के बाद में ये बात आती है कि इन दोनों देशों को शांतिपूर्ण बैठकर अपनी सारी बातें करनी चाहिए और देश के हित के लिए कार्य करना चाहिए और आपसी सम्मान और समानता के लिए आपस में बैठकर बातचीत करनी चाहिए और साथ में ये भी कहा है कि इन दोनों देशों को इन दोनों बातों की जरूरत है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी ने भी इस बात पर चर्चा की और बैठकर यही बात समझाई गई है कि अब भारत के साथ किसी भी तरीके की कोई भी बहसबंदी करने में कुछ भी फायदा नहीं है। अब दरअसल अगर हम बैठ के ही बात कर लेते हैं तो हमारे देश की समानता और सम्मान दोनों में सीमित रहेंगे और महमूद कुरैशी ने जम्मू एंड कश्मीर को लेकर अपनी चिंताओं से भी अवगत कराया है। और बातचीत के बाद चीन ने यह भी कहा है कि वह जम्मू एंड कश्मीर पर नजर बनाए हुए है और बता दें कि भारत ने अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद साफ साफ हर मंच पर यह कह दिया था कि भारत को जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का भारत का आंतरिक मसला है। जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 को हटाने के बाद भारत को विश्व के बहुत बड़े देशों ने समर्थन किया। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे चीन की और पाकिस्तान की अकल ठिकाने लग चुकी है। अब वो ऐसे ही कोई भी मुद्दा नहीं रखेंगे जिससे भारत में कोई नुकसान हो या जम्मू एंड कश्मीर में कोई नुकसान हो। तो फ्रेंड्स, आखिरकार भारत ने चीन की और पाकिस्तान की अकल ठिकाने ला ही दी और उनकी खुद भी अकल ठिकाने आ ही गई है। पाकिस्तान और चीन ने अब ये वादा किया है कि भारत के साथ वो ऐसा कोई भी सलूक नहीं करेंगे या जम्मू कश्मीर पर ऐसा कोई भी आक्रमण नहीं करेंगे जिससे भारत का नुकसान हो या फिर उनका भी कोई नुकसान हो। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या चीनी या पाकिस्तानी ये लोग मान जाएंगे? चीन और पाकिस्तान दोनों बहुत ही शातिर देश हैं, ऐसा नहीं लगता है। आपको क्या लगता है, अगर आपको लगता है कि वो दोनों मान जाएंगे या हकीकत में उनकी अकल ठिकाने आ चुकी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।